तूने कॉल पिक कर ही नहीं, वरना एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ तुझे। अबे साले इतने मैसेज भेजे व्हाट्सएप पर। अरे यार कल रात ही दिल्ली पहुंचा हूँ, कतर गया था क्लाइंट से मिलने के लिए। तू बता तू कैसा है और तू कहाँ है, लखनऊ में है या कहीं और? यहाँ पड़े हैं लखनऊ। ले ले भाई मुझे, तू भी ले ले। अरे यार तो लखनऊ कौन सी बुरी जगह है, कैपिटल है यूपी की, और तुझे तो प्राउड होना चाहिए कि तू कैपिटल में रह रहा है। अच्छा मैं क्या कह रहा था। हाँ बता। कि मेरा एक कजिन है वो दिल्ली आ रहा है। अच्छा। किसी काम से, पहली बार कहीं अकेला निकला है घर से। हाँ अच्छा किया। तो अगर वो तेरे पास ठहरेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे पास? लेकिन अबे मैंने उसको तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, बस मना मत करना, तेरे भाई की इज्जत का सवाल है। अब यार एक दो दिन की तो बात है, बस मैनेज कर लेना प्लीज यार। हेलो हेलो भाई, तू सुन रहा है कि नहीं? हाँ? और वो आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। थैंक्स यार। बहन चोद दिल्ली में फ्लैट ना ले लिया हो, मुसीबत ले लिया हो मैंने यार। पता नहीं किस किस के रिश्तेदार आके मेरे इस फ्लैट को सड़ा जाते हैं। कोई बात नहीं, दो दिन के लिए आ रहा है ना, झेल लूँगा उसे भी। एक मिनट, कल तो मेरे घर में पार्टी है, पार्टी में खुल के दारू और सेक्स चलेगा। ओह शिट, पता नहीं इसके कजिन के सामने हम पार्टी कर भी पाएंगे या नहीं। ये तो गड़बड़ हो गई यार। एक काम करता हूँ, आकाश को मना कर देता हूँ। लेकिन यार अब उसे मना करूँगा तो उसे बुरा लग जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आइडिया, एक काम करता हूँ, लॉक लगा के निकल लेता हूँ। आकाश का कॉल आएगा तो बता दूँगा कि मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। हाँ ये सही रहेगा। अंकित मेहरा तुम? अरे अच्छा हुआ आप हमें यही मिल गए। कौन हो भाई, क्या चाहिए? आप हमें नहीं जानते? नहीं। लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे हम नवीन शुक्ला, आपके दोस्त आकाश के मौसी के बेटे। ओ हाँ याद आया, लेकिन तुम तो शाम को आने वाले थे, सुबह कैसे आ गए? अरे हमारी शाम की ट्रेन कैंसिल हो गई थी, अब आना तो था ही तो हम सुबह ही चले आए। अच्छा आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ वो मार्केट जा रहा था थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। ग्रोसरी? ये क्या होता है? तुम्हें ग्रोसरी का मतलब नहीं पता? नहीं। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि ये इतना अनपढ़ होगा कि इसे ग्रोसरी का मतलब तक नहीं पता होगा। देहाती गवार। आपने कुछ कहा क्या? हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं। अच्छा ये बताइए पखाना कहाँ है, हमें पखाना जाना है। पखाना? अरे प्रेशर बना है हमारा। ओ वो उस तरफ है। धन्यवाद। पखाना। अगर एक बार 4 दिन भी मेरे घर रह गया ना तो मेरे बाथरूम को सेप्टिक टैंक बना देगा। भाई वाह, पूरा पेट साफ हो गया। वो क्या है ना, हमने आते समय ट्रेन में गोभी के पकौड़े खा लिए थे इसलिए थोड़ा पेट चल गया। भाई मानना पड़ेगा घर तो आपका बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। लेकिन तुम ये बिना कपड़ों के फ्रेश होते हो क्या? हाँ हमें ऐसे अच्छा लगता है। देखो अगर तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए हो तो मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं हमने आपसे कहा ना कि हमें ऐसे अच्छा लगता है और घर में भी हम ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अब खड़े क्यों हैं?
बैठिए बैठिए बैठिए। तो आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ हाँ अकेले ही रहता हूँ। भाई बहुत गर्मी है। गर्मी है लेकिन एसी तो चल रहा है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बियर मिल जाती तो हमारी ठंडक और बढ़ जाती। बियर? हाँ आप हमारे लिए फ्रिज से ला दीजिए ना। लेकिन ये सब चीजें मैं घर में नहीं रखता हूँ। क्या? आकाश भैया तो बता रहे थे कि आपको बियर पीने का बहुत शौक है, और बियर पीने का हमें भी बहुत शौक है। कानपुर में कॉलेज के बाद निकल जाते थे दोस्तों के साथ खेतों में बियर पीने के लिए, लेकिन कॉलेज के बाद दोस्त क्या छूटे, हमारा तो बियर पीना ही छूट गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ आसपास कोई बियर की दुकान है? यहाँ भाई दिल्ली है, दिल्ली में बियर की दुकानें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सुनिए, हाँ आप हमारे लिए दो चार बोतल ला देंगे? आप भी पी लीजिएगा उसी में। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। सुनिए, हाँ वो चखना भी लेते आइएगा। हाँ बिल्कुल। यस, आज तो बियर आएगी। भाई वाह मजा आ गया। अच्छा वो खाने में क्या है? खाने में? सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। अरे 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 आप क्यों बनाएंगे? आप क्या बावर्ची नहीं आता क्या? बावर्ची? नहीं मेरे घर में कोई बावर्ची नहीं आता है। इनफैक्ट मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ और ये घर भी मैं खुद ही क्लीन करता हूँ। अच्छा इसका मतलब पैसा बचा रहे हो ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है और घर क्लीन करने से मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। अरे अब आप खाना बनाने किचन में मत जाइएगा, एक काम कीजिए फोन से ऑर्डर कर दीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगा। 5-10 मिनट में कोई ऑर्डर नहीं आता। अरे आधे घंटे में आ जाएगा, लेकिन कम से कम आपको किचन में जाकर खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। करिए करिए जल्दी ऑर्डर कीजिए। करता हूँ। सुनिए, हाँ चिकन ऑर्डर करिएगा, वो क्या है ना हमें चिकन बहुत पसंद है। चिकन? तुम ब्राह्मणों के चिकन खाते हो? चिकन तो आजकल सभी खाते हैं। चिकन खा के मजा आ गया। सुनो, हाँ तुम ये क्या कर रहे हो? अरे खाना खाने के बाद हमारे पेट में गैस बहुत बनती है, तो वही टहल रहे थे। आप नहीं टहलते क्या? नहीं मेरा पेट बिल्कुल साफ रहता है। वही तो, अब हर किसी के पेट का इंजन एक जैसा तो होता नहीं, हमारा भी बहुत ईंधन खाता है। अरे इसे क्या हुआ, हम तो बस पादे ही थे, बदबू आई क्या? सच में आ रही है, बहुत गंदा पाते हैं। इनफ, बस अब बहुत हो गया, पूरे घर का माहौल खराब कर दिया इस आकाश के कजिन ने, और ये देखो मेरे बाथरूम का क्या हाल बना दिया इस गवार ने। फ्रेश होके फ्लश भी नहीं किया। बस
अब कैसे भी करके इसको इस घर से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे निकालूंगा यार इसको? आइडिया, सिग्मा रूल। अच्छा बेटा, बड़े आराम से सो रहा है। तेरा आराम तो मैं अभी हराम करता हूं। रुक, सुनो सुनो। तुम सो रहे थे क्या? हाँ, वो बस आंख लग गई थी। आप कहाँ चले गए थे अचानक से? अब वो मैं फ्रेश होने के लिए गया था, मेरा ही पेट खराब हो गया था। तभी तो, खाना खाने के बाद टहलना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। अच्छा, आप सोएंगे कहाँ? क्योंकि मेरे फ्लैट में तो एक ही बेडरूम है और बेड भी एक ही है। अरे, एक बेड पे दो लोग सो जाते हैं, हम लोग भी सो जाएंगे। नहीं सो पाएंगे क्योंकि मैं अपने बेड पर अकेला ही सोता हूँ। अकेले? लेकिन कोई दूसरा आपके साथ में सो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है उसको जो मेरे साथ सोता है। क्यों भाई, सोते टाइम हाथ पर फेंकते हो क्या? अब तुम यही समझ लो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार? अरे, मुंह से बताओ, और कैसे बताओगे? देखो, ये बात ना आकाश भी नहीं जानता मेरे बारे में, तो प्लीज तुम उसे मत बताना। अरे नहीं बताएंगे, लेकिन बात क्या है बताओ तो। बात यह है कि मुझे लड़के बहुत पसंद है। ओ, और अगर कोई लड़का, और वो भी तुम जैसा हैंडसम और सेक्सी लड़का, मेरे साथ रात में इस बेड पर सोएगा तो तुम समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ गलत काम हो जाए। आफ्टर ऑल, यू आर माई फ्रेंड्स कजिन ना। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो मैं बगल वाले कमरे में सोफे पे सो जाता हूँ। एक्चुअली अगर तुम वहाँ सोओगे तो मैं वहाँ भी आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ क्यों आओगे? क्योंकि मुझसे रहा नहीं आता है ना। यू नो ना कि मुझे रात में बहुत अजीब अजीब सी बेचैनी होती है और मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। आई नो कि तुम्हें ये सब बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन जो सच है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। और सुनो। हाँ? देखो, मुझे ये लगता है कि तुम्हें अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ गलत काम हो जाए। तो अभी क्या टाइम हो रहा होगा? शायद 9 बज रहे होंगे। हाँ, तो तुम्हें यहाँ आसपास कोई अच्छा सा होटल रूम मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं ही तुम्हारे लिए बुक कर देता हूँ। हाँ, तुम्हें वहाँ रुको। बुक हो रहा है, कर रहा हूं बुक। क्या सच में हम आपको हैंडसम और सेक्सी लगते हैं? हाँ, वही तो। यू नो, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मन कर रहा है कि खैर छोड़ो, तुम बोलो। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि हम भी लड़कों में रुचि रखते हैं। लड़कियां हमें भी नहीं बिल्कुल भी अच्छी लगती हैं, और आपकी खूबसूरती के चर्चे तो हमने आकाश भैया के मुंह से सुनी रखे हैं। कैसे सारी कॉलेज की लड़कियां आप पर मरा करती थी।
और हम भी तो आपको हैंडसम और सेक्सी लगते हैं ना। ये तो वही बात हो गई सोने पे सुहागा वाली। तो आज रात जो होता है हो जाने दीजिए ना। और वैसे भी हमें बहुत दिन हो गए हैं तो